Hello everyone, this is Shweta from EdSected International. Welcome back to my channel. So viewers, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? आप अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और हेल्दी हैं. I'm very happy for that. So चलिए हम वापस आते हैं अपने काम के ऊपर. आज जो टॉपिक है वो है सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर. आई नो आप सब लोगों में से बहुत सारे ऐसे सोच रहे होंगे, हाँ बड़ा ही आसान सा टॉपिक, ये तो हमें आता है. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्या हर एक वर्ड को प्लूरल करते समय आपको सिर्फ नाउन के एंड पे एस लगाना है? क्या आप सब लोग ऐसा तो नहीं सोचते? ये गलत है. हाँ, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको प्लूरल बनाते समय हमें एंड में एस लगाने की जरूरत पड़ती है, पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंड में एस नहीं लगता. एस की जगह पे बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जो कि लगते हैं. सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए हम सबसे पहले उन नाउन्स के बारे में बात करते हैं जिनको प्लूरल बनाते समय हमें एंड में एस ऐड करना पड़ता है. वो होते हैं रेगुलर नाउन्स, जैसे कि डॉग. डॉग को अगर हमने प्लूरल बनाना है तो उसके एंड में एस लगाने की जरूरत है. डॉग बन जाएगा डॉग्स. और या फिर कैट, कैट का बनेगा कैट्स. या फिर गोट, गोट का बनेगा गोट्स. सो ये कुछ ऐसे रेगुलर नाउन्स हैं जिनको कि अगर आप प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल बनाते समय नाउन्स के एंड में लगेगा एस. ओके, अगर कोई सिंगुलर नाउन एस से या डबल एस से या एस एच से या सी एच से या फिर एक्स से या फिर जेड से एंड होता है तो उनको प्लूरल बनाने के लिए आपको एंड में लगाना पड़ता है ई एस. फॉर एग्जाम्पल बस. बस में आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है वो एस से एंड हो रहा है. सो बस के आगे हम लगाएंगे ई एस. सो बस का प्लूरल बन जाएगा बसेस. या फिर बॉक्स. बॉक्स एंड हो रहा है एक्स से. इसके एंड में भी हम लोग लगाएंगे ई एस. सो बॉक्स का बन जाएगा बॉक्सेस. और या फिर आप कह सकते हैं लंच. लंच एंड हो रहा है सी एच के साथ. सो लंच का बन जाएगा लंचेस. या फिर डिश. डिश एंड हो रहा है एस एच के साथ और डिश का बन जाएगा डिशेस. और या फिर क्विज. क्विज वर्ड में जो ये वर्ड है वो जेड के साथ एंड हो रहा है. सो हम ई एस एड ऑन करके इसको बना देंगे क्विजेस. सो इन दिस सेंस जहां पे एस 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 सी एच एस एच एक्स या जेड आता है किसी वर्ड के एंड में तो उनके एंड में आप लगा देंगे ई एस. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंड में आता है एफ या फिर एफ ई, तो आपको एफ और एफ ई को हटा देना है और उसकी जगह पे लगाना है वी ई एस. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हैं लाइफ, तो लाइफ के एंड में क्या है एफ ई. आपको एफ ई को हटा देना है और वहां पे आप लोगों को लगा देना है वी ई एस, तो लाइफ का प्लूरल बनेगा लाइव्स. और दूसरा एग्जाम्पल है वाइफ, तो वाइफ का एफ ई आपको हटा देना है, उसकी जगह पे आपको वी ई एस लगाना है, तो वाइफ का प्लूरल हुआ वाइव्स. सो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं जिनके अगर एंड में एफ लगता है तो वो ज़्यादातर उनके एंड में उनको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस लगाने की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि रूफ, तो रूफ को प्लूरल बनाने के लिए आपको एफ को हटाना नहीं है, आपको सिर्फ उसको प्लूरल बनाने के लिए एंड में लगाना है एस, तो रूफ का बन गया रूफ्स. नेक्स्ट इज अगर कोई वर्ड वाई के साथ एंड हो रहा है और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट लगा है. अब आप पूछेंगे मैडम कॉन्सोनेंट क्या है? कॉन्सोनेंट के बारे में वैसे तो मेरी शॉर्ट वीडियोस बनी पड़ी हैं, पर फिर भी इस वीडियो में आपको क्लियर कराने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कॉन्सोनेंट होता क्या है. आपको पता ही है कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स में से अगर आप 5 वोवल्स निकाल दें, ए ई आई ओ यू निकाल दें, तो जो बाकी सारे अल्फाबेट्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. सो वापस आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर. मैं ये बता रही थी कि अगर किसी वर्ड के एंड में वाई आता है और y से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो वहां पे आपको y को हटा देना है और उसकी जगह पे आपको लगाना है i e s. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सिटी, तो सिटी का प्लूरल हो गया सिटीज. आपने देखा कि कैसे y को हटा के हमने बना दिया c i t i e s सिटीज. सो प्लूरल ऑफ सिटी इज सिटीज. और दूसरा एग्जाम्पल है पपी. पपी के एंड में भी वाई आता है और वाई से पहले पी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो हम पपी का वाई हटा देंगे और उसको प्लूरल बनाने के लिए एंड में आई ई एस लगा देंगे. सो पपी का प्लूरल बन गया पपीज. अब अगर किसी वर्ड के एंड में आता है यू एस, जैसे कि एग्जाम्पल है कैक्टस.
कैक्टस के एंड में आता है यूएस, सो ऐसे वर्ड्स में से आपको यूएस को हटा देना है और यूएस की जगह पे लगाना है आई। सो कैक्टस का प्लूरल बना कैक्टी। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी और वर्ड्स मिलते हैं जिनके एंड में यूएस आता है, आपको यूएस हटा के लगाना है आई। अगर किसी वर्ड के एंड में आता है ओएन, तो उस ओएन को हटा के आपको लगाना है ए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वर्ड है फिनोमिनन, तो फिनोमिनन के एंड में ओएन आता है, तो आपको ओएन को हटा के उसकी जगह पे लगाना है ए। तो फिनोमिनन का प्लूरल बना फिनोमिना। दूसरा एग्जाम्पल है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन वर्ड के एंड में भी ओएन है, तो आपको ओएन को हटा के लगाना है क्राइटेरिया। फिनोमिनन फिनोमिना, क्राइटेरियन क्राइटेरिया। अब आते हैं वो वर्ड्स जिनको अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो उनमें कोई भी चेंज नहीं आता। तो याद है मैंने शुरुआत में ऐसी बात की थी, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं अगर आप उनको प्लूरल बनाते हैं तो वाकई में उनमें कोई चेंज नहीं दिखाई देता। अब वो वर्ड्स कौन से हैं? वो वर्ड्स हैं शीप, फिश, डियर। ऐसे वर्ड्स को अगर आप प्लूरल करते हो ना, तो आपका कोई भी एस या फिर आई ई एस या वी ई एस या ऐसा कोई भी आपको वर्ड नहीं इस्तेमाल करना पड़ता, जिनको कि अगर आप प्लूरल बनाएं तो वो वर्ड जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आसानी होगी कि अगर आपको शीप, फिश या डियर लिखना है तो आपको प्लूरल लगाने में कोई कन्फ्यूजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते, मतलब आपको कुछ खास रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता उनको प्लूरल बनाने के लिए। बस आपको उनको मेमोराइज करना पड़ता है कि हाँ ये वर्ड इस तरीके से प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड। अब चाइल्ड के पीछे एस तो आएगा नहीं, हालांकि बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स चाइल्ड को चाइल्ड्स बना देते हैं, हमेशा उनको डांट पड़ती मेरे से कि ये तुम क्या कर रहे हो। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। और दूसरा वर्ड है वुमन, तो वुमन वुमन्स नहीं बन जाता, वुमन बनेगा वुमन। या फिर टूथ का टीथ बन जाएगा। सो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते प्लूरल बनाने के, बस आपको उसको सही तरीके से मेमोराइज करना है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल पूरा क्लियर करा पाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि जैसे आपकी इंग्लिश बेहतरीन हो रही है दिन ब दिन मेरी वीडियोस देख के, वैसे ही आपके दोस्तों की रिश्तेदार की इंग्लिश भी अच्छी हो जाए। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इधर रेड बटन है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो आपको वीडियो जल्द ही पहुंच जाए। सो बाय बाय।